नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 2024 के आम चुनाव को लेकर के अखाड़ा सजने लगा है। इसी क्रम में 23 जून को पटना में जमावड़ा हो रहा है। विपक्ष के सारे बड़े नेता एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। पटना को बहुत सोच समझ करके चुना गया है। जेपी आंदोलन यहीं से शुरू हुआ था। उधर सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी और उसके अगुआ पीएम मोदी विपक्ष की एका को तोड़ने और अपनी जमीन को मजबूत करने के लिए तरह तरह के दांव चल रहे हैं या चलने वाले हैं। उसी में से एक दांव है यूनिफॉर्म सिविल कोड। दरअसल समान नागरिक संहिता की चर्चा बहुत दिनों से हो रही है और इस पर बहस भी बहुत हो चुकी है। 21वें लॉ कमीशन में भी इसका जिक्र आया, इस पर बहस हुई, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। अब 22वें लॉ कमीशन ने इसमें लोगों से 30 दिन के अंदर अपनी प्रतिक्रिया मांगी है। क्या है ये समान नागरिक संहिता और इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? कैसे सत्ता पक्ष इस दांव को खेल करके विपक्ष को मात देना चाहता है, इसी पे हम बात करेंगे। दरअसल ये विविधता भरा देश है। कांग्रेस और राहुल गांधी जैसे नेता इसे राज्यों का संघ भी कहते हैं, यद्यपि ऐसा बहुत सारे लोग नहीं मानते। लिहाजा इस देश में अलग अलग प्रथाएं, परंपरा और कानून भी कह सकते हैं कि है, यानी कि शादी विवाह विरासत इस सब को लेकर के कानून अलग अलग है। धर्म के आधार पर, यानी कि आप हिंदू धर्म में हैं उसमें चले जाते हैं, यदि मुस्लिम में हैं ईसाई में हैं तो वहाँ की जो व्यवस्था है, वहाँ के जो पर्सनल कानून है उसके हिसाब से सब डिसाइड होता है। नागालैंड मिजोरम जैसे राज्य ऐसे हैं जिनका अपना अलग ही कानून है। बहुत दिनों से चर्चा इस बात को लेकर के चल रही है कि एक ही देश में दो विधान कब तक चलेगा, क्यों नहीं इसे रुका जाना चाहिए। लिया जा अब समान नागरिक संहिता पर लॉ कमीशन ने लोगों की राय मांग ली है, वो भी 30 दिन के अंदर। इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बहुत जल्दी मोदी सरकार इसको लेकर के कानून बना सकती है, बिल संसद में पेश कर सकती है। एक वर्ग विशेष यानी कि मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे लोग इसका विरोध करते रहे हैं। उनका मानना है कि जो उनका पर्सनल कानून है, शादी ब्याह विरासत उत्तराधिकार, वो सब उनके अपने कानून के हिसाब से डिसाइड होने चाहिए। जबकि एक बड़ा वर्ग है जो ये मांग करता है कि जब एक देश में रहते हैं तो नियम कानून भी एक जैसे हों, चाहे जो भी पर्सनल मामला हो। आपको बता दें कि मुस्लिमों में कई शादियों का रिवाज है। जब ये संहिता लागू होगा, ये कानून आएगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। जो हिंदू पे लागू होगा वही मुस्लिम पे, वही ईसाई पे, वही सिख पे, वही पारसी पे, सब पे लागू होगा। एक देश एक कानून और उससे होगा संचालित। साहबानों के साहब को याद होगा, CRPC में एक व्यवस्था है जिसमें कि मेंटेनेंस की बात है, वही देने की बात कही गई थी। हंगामा हुआ, राजीव गांधी सरकार ने उसे पलट दिया था क्योंकि उनका पर्सनल कानून जो है वो इसको अलाउ नहीं कर रहा था। और अब जब इस पर मोदी सरकार आगे बढ़ती है तो फिर क्या राजनीतिक फायदे होंगे, कैसे मोदी सरकार सोच रही है कि इससे फ़ायदा मिल जाएगा? इसलिए कि बहुत बड़े वर्ग को ये सूट करता है जो इस बात का पक्षधर रहा है कि एक देश में एक ही कानून होना चाहिए और सब पे समान रूप से वही अप्लाई होना चाहिए, तो वो वर्ग खुश होगा। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि यदि ऐसा होता है तो ये ध्रुवीकरण की तरफ ले जाएगा। देखिए, राजनीति में होता क्या है कि कोई एक दांव कितना सटीक बैठेगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। कई बार सटीक बैठता है, कई बार वो बैकफायर भी करता है। जैसे कि विपक्ष ने जो मुद्दा उठाया है वो जाति जनगणना का उठाया है। उसे लग रहा है कि जब तक OBC BJP का साथ दे रहा है तब तक BJP को हराना मुश्किल है, तो OBC को कैसे तोड़ा जाए, BJP के पाले में जाने से कैसे रोका जाए। दो बार यानी 2014 और 19 में दलितों और सवर्णों के साथ साथ OBC का भी साथ मिला है BJP को। लिहाजा जाति जनगणना का दांव चल रहा है विपक्ष। बिहार में जो नीतीश कुमार अगुआ है उन्होंने जाति जनगणना कराई, मजबूरी में BJP ने उसका साथ दिया था। अब कांग्रेस ने चिट्ठी लिखी, कांग्रेस भी इसके फेवर में आ गई है। लिहाजा माना ये जा रहा है कि जाति जनगणना बनाम ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये लड़ाई आगे बढ़ती हुई सी दिख रही है। दोनों में अपने अपने दांव, अपनी अपनी होशियारी छिपी है। देखते हैं कौन अपने मकसद में कितना सफल हो पाता है। रही बेखबर, देखते रहिए।